हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग एवरीडे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एमसीक्यूज। आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है द ट्रेजेडी। इससे बेस्ड हम आपके एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड लास्ट में हम वन लाइनर्स भी करेंगे ट्रेजेडी बेस्ड। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूले। फ्रेंड्स, आपके लाइक एंड कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द हॉरर ट्रेजेडी इज ऑल्सो नोन एज दी। ऑप्शंस आर फर्स्ट है ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज, ट्रेजेडी ऑफ ब्लड, ट्रेजेडी ऑफ ब्लड एंड हॉरर, या ऑप्शन डी ऑल ए बी एंड सी। आंसर है आपका डी ऑल ए बी एंड सी। सारे ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है थॉमस किड द स्पेनिश ट्रेजेडी बिकम द मॉडल ऑफ, द स्पेनिश ट्रेजेडी इज बिकम द मॉडल ऑफ। ऑप्शंस आर रोमांटिक ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी, हेरोइक ट्रेजेडी या ग्रीक ट्रेजेडी। आंसर इज बी रिवेंज ट्रेजेडी। क्या है आंसर? बी रिवेंज ट्रेजेडी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, शेक्सपियर्स हेमलेट इज मॉडल्ड ऑन। ऑप्शंस आर मार्लोस डॉक्टर फॉस्टियस किड स्पेनिश ट्रेजेडी, वेबस्टर्स डचेस ऑफ माल्फी या डी ऑप्शंस नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी किड्स स्पेनिश ट्रेजेडी। क्या है? किस किड्स स्पेनिश ट्रेजेडी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, द एम ऑफ द हॉरर ट्रेजेडी। ऑप्शंस आर स्टेज नेशनलिज्म, स्टेज सेंसेशनलिज्म एंड थर्ड ऑप्शन है स्टेज सेंटीमेंटलिज्म या डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। फोर्थ आंसर, फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर है बी स्टेज सेंसेशनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, द डचेस ऑफ माल्फी, द वाइट डेविल्स एंड द ब्रोकन हार्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शंस आर रिवेंज ट्रेजेडी, क्लासिकल ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी, हेरोइक ट्रेजेडी। और आंसर है आपका फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रिवेंज ट्रेजेडी। एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स, द हेरोइक ट्रेजेडी इज ऑल्सो नोन एज मिल्टोनिक ट्रेजेडी, रेस्टोरेशन ट्रेजेडी, रेस्टोरेशन ड्रामा या नन ऑफ दीज। एंड आंसर इज क्वेश्चन नंबर सिक्स का बी रेस्टोरेशन ट्रेजेडी। हेरोइक ट्रेजेडी को हम किस और नाम से जानते हैं? रेस्टोरेशन ट्रेजेडी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, द हेरोइक ट्रेजेडी वॉज पॉपुलराइज बाय। ऑप्शंस आर ड्रेडन, ऑटवे, ड्रेडन एंड ऑटवे एंड टी एस एलियट। क्वेश्चन नंबर सेवन आंसर इज सी ड्रेडन एंड ऑटवे। द हेरोइक ट्रेजेडी वॉज पॉपुलराइज बाय, किसके टाइम में पॉपुलराइज हुई थी हेरोइक ट्रेजेडी? ड्रेडन एंड ऑटवे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, ड्रेडन एंड ऑटवे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय। ऑप्शंस अमेरिकन क्लासिकल ड्रामेटिस्ट, रशियन क्लासिकल ड्रामेटिस्ट, फ्रेंच क्लासिकल ड्रामेटिस्ट या नन ऑफ दीज। आंसर इज फ्रेंच क्लासिकल ड्रामेटिस्ट। आंसर क्या है इसका फ्रेंड्स? फ्रेंच क्लासिकल ड्रामेटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, थीम्स ऑफ हेरोइक ट्रेजेडी आर बेस्ड ऑन एपिक मैग्नीट्यूड मेनली, सेटायरिकल मोड, आयरोनिकल मोड या ड्रामेटिक मोनोलॉग। आंसर इज क्वेश्चन नंबर नाइन ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है इसका एपिक मैग्नीट्यूड मेनली। एंड क्वेश्चन नंबर टेन, ड्रेडन यूज्ड द डैश इंस्टेड ऑफ ब्लैंक वर्ड्स इन द हेरोइक ट्रेजेडी। ऑप्शंस हेरोइक मीटर, एम्बिक पेंटामीटर, ईदर ऑफ दीज, नीदर ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर टेंथ का ऑप्शंस है ए हेरोइक मीटर। डेडन यूज हेरोइक मीटर इंस्टेड ऑफ ब्लैंक वर्ड्स इन द हेरोइक ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु रिमार्क्ड ब्लैंक वर्ड्स इज एक्नॉलेज्ड टू बी लो फॉर अ पोएम फॉर अ पेपर ऑफ वर्ड्स बट इफ़ टू लो फॉर एनी ऑर्डिनरी सॉनेट हाउ मच मोर फॉर द ट्रेजिडीज। ऑप्शंस आर ड्रेडन, ऑटवे, विलियम कॉन्ग्रीव, जॉर्ज एथर्स। ऑप्शंस ड्रेडन, ऑटवे, विलियम कॉन्ग्रीव, जॉर्ज एथर्स।
आंसर इज ए ड्रेडन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द हेरोइक ट्रेजिडी सफर्स फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ आर्टिफिशियल, द एलिमेंट ऑफ एक्स एग्रीगेशन या ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी. 12th क्वेश्चन का आंसर कौन सा करेक्ट है आपका, सी बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द वर्ड डोमेस्टिक कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड डोमेस्टिका, लैटिन वर्ड डोमेस्टिकस, ईदर ऑफ दीज या नीदर ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 13 आंसर इज बी लैटिन वर्ड डोमेस्टिकस. डोमेस्टिक वर्ड जो है वो किससे लिया गया, लैटिन वर्ड डोमेस्टिकस से. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डोमेस्टिक ट्रेजिडी इज बेस्ड ऑन फॉरेन मैटर्स, नेबरिंग मैटर्स, डोमेस्टिक मैटर्स, नन ऑफ दीज. आंसर इज डोमेस्टिक मैटर्स. एंड नेक्स्ट, डोमेस्टिक ट्रेजिडी इज जनरली अनरियलिस्टिक इन स्टाइल, रियलिस्टिक इन स्टाइल, इमेजिनेटिव इन स्टाइल या क्लासिकल इन स्टाइल. क्वेश्चन नंबर 15 आंसर इज बी रियलिस्टिक इन स्टाइल. क्या ऑप्शन है इसका, रियलिस्टिक इन स्टाइल, ये आंसर इसका करेक्ट है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द लंडन मर्चेंट एंड मारिया मैगडालेना एग्जाम्प्लीफाई. ऑप्शंस आर ट्रेजिकॉमेडी, हेरोइक ट्रेजिडी, डोमेस्टिक ट्रेजिडी, सोशियोलॉजिकल ट्रेजिडी. आंसर इज सी डोमेस्टिक ट्रेजिडी. एंड क्वेश्चन नंबर 17, द लंडन मर्चेंट इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है, शेक्सपियर, मिल्टन, जॉर्ज लिलिलो, टी एस एलियट. ऑप्शंस आपके ये हैं एंड आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 17 का, सी जॉर्ज ने लिखी है ये. द लंडन मर्चेंट किसने लिखी है, जॉर्ज ने. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मारिया मैगडालेना इज रिटन बाय, मारिया वर्क जो है ये किसने लिखा है, हेबेल, जॉर्ज लिलिलो, शेक्सपियर, ड्रेडन. जॉर्ज लिलो ने तो आपका लिखा द लंडन मर्चेंट. एंड मारिया वर्क किसने लिखा है, मारिया वर्क लिखा है आपका हेबेल ने. मारिया वर्क किसने लिखा है फ्रेंड्स, हेबेल ने. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, शेक्सपियर ओथेलो इज नोन एज क्लासिकल ट्रेजेडी, डोमेस्टिक ट्रेजेडी, हेरोइक ट्रेजेडी या फिर हॉरर ट्रेजेडी. आंसर इज बी डोमेस्टिक ट्रेजेडी. ओथेलो क्या है, एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है. एंड क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म ट्रेजेडी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रेगोइडिया, ट्रेजेडिया, टीडिया या ट्रेगोलिया. ऑप्शंस एंड आंसर है आपका ट्रेगोइडिया. क्या आंसर है, ट्रेगोइडिया, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ट्रेगोइडिया इज मेड अप ऑफ वर्ड्स ट्रेगोस, ऑइड, बोथ, नन ऑफ दीज. आंसर इज सी बोथ. ट्रेगोइडिया इज मेड अप ऑफ वर्ड्स ट्रेगोस एंड ऑइडोस. ऑइड ये किससे बना है, ट्रेगोट, ट्रेगोस एंड ऑइड से. ट्रेगोडिया वर्ड्स आपका किससे बना है, ट्रेगोस एंड ऑइड से. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ट्रेगोस मीन्स, ट्रेगोस का मीनिंग क्या होता है, ही गॉट, शी गॉट, बोथ एंड नन ऑफ दीज. आंसर इज ए ही गॉट. ट्रेगोस का मीनिंग क्या है, ही गॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ऑइड मीन्स अ सॉन्ग, म्यूजिक, ओपेरा या ऑप्शन डी डांस. आंसर इज ए अ सॉन्ग. ऑइड का मीनिंग क्या होता है, अ सॉन्ग. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ट्रेजेडी मीन्स सी गॉड सॉन्ग, गॉड सॉन्ग, काओ सॉन्ग या लैम सॉन्ग. 24 का आंसर क्या है, बी गॉड सॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अ ट्रेजेडी एंड्स अनहैप्पीली, हैप्पीली, नाउ हैप्पीली, नाउ अनहैप्पीली, नन ऑफ दीज. आंसर इज अनहैप्पीली, ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन ए करेक्ट है, अनहैप्पीली. ट्रेजिक हीरो सफर्स फ्रॉम फीवर, टाइफाइड, ट्रेजिक फ्लो या नन ऑफ दीज. आंसर इज सी ट्रेजिक फ्लो. जो ट्रेजिक हीरो होता है वो सफर्स करता है ट्रेजिक फ्लो से. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कैथारसिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैथारसिस, कैथार्टिकोस, प्यूरगेशन या प्यूरिफिकेशन. आंसर इज 27 बी
कैथार्टिकॉस, कैथार्सिस वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है, वो किससे लिया गया, कैथार्टिकॉस से। एंड क्वेश्चन नंबर 28, हु सेड अबाउट ट्रेजिडी द फ्लोइंग रिगार्डिंग द एंड ऑफ ट्रेजिडी, ऑल पैशंस आर काम एंड ऑल इमोशंस स्पेंट, किसने कहा है ये। ऑप्शन है एरिस्टोटल, प्लेटो, मिल्टन, ड्रेडन। आंसर इज क्वेश्चन नंबर 28 सी, किसने, मिल्टन ने। एंड क्वेश्चन नंबर 29, इन अ ट्रेजेडी द टू सोल इमोशंस आर इमेजिनेशन एंड फेम, पिटी एंड फियर, लव एंड हेट, जेलिसी एंड फ्रेंडशिप। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है आपका बी, पिटी एंड फियर। क्या आंसर है, पिटी एंड फियर। एंड द सोल ऑफ अ ट्रेजेडी इज, ऑप्शंस प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, बोथ प्लॉट एंड कॉन्फ्लिक्ट, नन ऑफ दीज। आंसर इज बोथ, प्लॉट एंड कॉन्फ्लिक्ट। क्या आंसर है, प्लॉट एंड कॉन्फ्लिक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्रेजेडीज आर, क्लासिकल, रोमांटिक, मॉडर्न, रिवेंज या हेरोइक। एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। 31 का आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। ये सारी टाइप्स की ट्रेजेडी होती है, क्लासिकल, रोमांटिक, मॉडर्न, रिवेंज, हेरोइक, सारी क्या है, ट्रेजेडी के ही टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्लासिकल ट्रेजेडीज आर बेस्ड ऑन 3 क्लासिकल यूनिटीज, 4 क्लासिकल यूनिटीज, 2 क्लासिकल यूनिटीज एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। आंसर क्या है, 3 क्लासिकल यूनिटीज। क्लासिकल ट्रेजेडी जो बेस है वो किस पे, 3 क्लासिकल यूनिटीज पे। क्वेश्चन नंबर 33, प्रोमीथस बॉन्ड, ऑडिपस रैक्स, हुक्यूबा एंड सैमसन एगोनिस्ट, मर्डर इन कैथेड्रल आर एग्जाम्पल ऑफ, ये जो वर्क हैं सारे वो किसके एग्जाम्पल हैं, हेरोइक ट्रेजेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी, क्लासिकल ट्रेजेडी या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। आंसर इज क्लासिकल ट्रेजेडीज, किसके एग्जाम्पल हैं, क्लासिकल ट्रेजेडीज के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, रोमांटिक ट्रेजेडी इज बाउंड द क्लासिकल कन्वेंशंस, अनबाउंड फ्रॉम क्लासिकल कन्वेंशंस, ईदर ऑफ दीज, नीदर ऑफ दीज। आंसर इज अनबाउंड फ्रॉम क्लासिकल कन्वेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हु प्रोड्यूस द मॉडल फ्रॉम द रोमांटिक इंग्लिश ट्रेजेडी, प्लेटो, सिनेका, प्लेटोस, एरिस्टोफेनियस। आंसर इज बी, सिनेका। आंसर क्या है, बी, सिनेका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, गोर्बो डक वॉज रिटन इन हेरोइक कपलेट, टर्जा राइमा, ब्लैंक वर्ड्स, राइम वर्ड्स। आंसर इज सी, ब्लैंक वर्ड्स। गोरबोडक्स किस में लिखा गया है, ब्लैंक वर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज आर क्लासिकल, रोमांटिक, ग्रीक, लैटिन। क्या है, रोमांटिक। शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज हैं वो क्या है, रोमांटिक हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द सिल्वर बॉक्स, जस्टिस, ऑल माई सन्स एंड डेथ ऑफ अ सेल्समैन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये सारे वर्क्स किसके एग्जाम्पल हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेजेडीज, क्लासिकल ट्रेजेडीज, सोशियोलॉजिकल ट्रेजेडीज, रोमांटिक ट्रेजेडीज। आंसर इज सी, सोशियोलॉजिकल ट्रेजेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, स्ट्रेंज इंटरल्यूड एंड मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये वर्क किसके एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन इज साइक्लोलॉजिकल ट्रेजेडीज, सोशियोलॉजिकल ट्रेजेडीज, रोमांटिक ट्रेजेडीज, एंटी रोमांटिक ट्रेजेडीज। आंसर इज ए, साइकोलॉजिकल ट्रेजेडीज। ये थे फ्रेंड्स हमारे एमसीक्यूज बेस्ड ट्रेजेडी जो टॉपिक है हमारा, उससे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन थे। अब हम ट्रेजेडी बेस ही वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वन लाइनर उस फॉर्म में करेंगे। विच इज़ द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी है, गोरबोडक। हु इज़ द राइटर ऑफ गोरबोडक, थॉमस सैकविल एंड नॉर्टन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पब्लिश्ड गोरबोडक वॉज कॉल्ड, फेरेक्स एंड पॉरेक्स। जब गोरबोडक को पब्लिश किया गया इस वर्क को, तो क्या नाम दिया गया था, फेरेक्स एंड पॉरेक्स नाम से पब्लिश किया गया था। एंड विच ड्रामेटिस्ट हैज़ रिटन ओनली ट्रेजेडीज, किसने केवल ट्रेजेडीज लिखी हैं, क्रिस्टोफर मार्लो ने। नेक्स्ट, इन द प्ले गोरबोडक, गोरबोडक इज किंग ऑफ ब्रिटेन, द प्ले गोरबोडक
consist of 5 acts. The first, second and the third acts of Gorboduc are written by Norton. Addison's tragedy Cato has been called the grave of English tragedy. And next question, who wrote Tamburlaine? Christopher Marlowe. And what is the name of the villain in Othello? Othello jo work hai usme villain ka kya naam hai? Iago. The central theme of Galsworthy's strife is labor and capital conflict. In which play does David Roberts appear as a leading character, The Strife? And next, ye thi friends hamari aaj ki class. Thanks for watching. अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स. एंड अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. आपके लाइक एंड कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गुड डे. टेक केयर. बाय बाय फ्रेंड्स.